हाय एवरीवन, तो आज हम लोग पोहे के तीखे मसालेदार एकदम चटकारेदार चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी जितना पोहा लिया है। पोहा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, थिक या थिन वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब यहाँ पर हमने लिया है मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार और उसमें हमें इस कटोरी से एक कप पोहा लिया है। तो इसको हम एक बार पहले से ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसका पहले एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके का फाइन सा पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब जिस कटोरी से हमने पोहा नापा था उसी कटोरी से हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो जितने पानी की आपको ज़रूरत लगे उतना पानी आप ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके का ये बैटर बनाकर तैयार किया है और मुझे लगभग 2 कटोरी जितना पानी यहाँ पर लग चुका है। आप नाप का एकदम ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब हमने ली है एक कढ़ाई और उसी कटोरी से नाप करके हम यहाँ पर 2 कटोरी इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 कप हमने पिछले टाइम ऐड कर लिया था, 2 कप हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसको गैस पर रख दिया है और साथ ही में डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना पापड़ खार डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, दोनों ही चीज़ें स्किप की जा सकती हैं। अब यहाँ पर पानी हल्का सा गर्म होने लगा है तो हमारा जो पेस्ट था पोहे वाला वो हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर एकदम लो कर देना है क्योंकि डालते के साथ में इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक साथ मिक्स करते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है या फिर मिक्सी में थोड़ा सा लगा रह गया तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, आधा कटोरी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए थोड़े थोड़े से चंक्स आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे पोहे के, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जैसे जैसे ये बैटर पकता जाएगा ना वैसे वैसे ये अच्छे से मैश हो जाएंगे और बिल्कुल हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर के तैयार होगा, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन है इस टाइम पर, लेकिन जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा ना वैसे वैसे ये थोड़ा थिक होता चला जाएगा। तो घड़ी में टाइम लगाकर आप इसको 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आपको इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसने गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा बैटर बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई पर नहीं रखना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाएंगे। और पूरे मैंने 20 मिनट इसको पकाया है। अगर आपको लगता है बीच में आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पोहे की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है थोड़ा मोटा होता है या ठीक होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका बैटर है वो एकदम आपको ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक परत जैसी नजर आएगी 15-20 मिनट के बाद में, जैसे आप इसको पकाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह की परत से निकलने लगी है, इसका मतलब हमारा जो बैटर है वो पक करके तैयार हो गया। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी आने तक आपको इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम पर। अब इसको एकदम मसालेदार बनाने के लिए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च फ्लेक्स यानी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हमने कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दी है। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा हींग। अजवाइन का फ्लेवर इस वाली चिप्स के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने दोस्तों बहुत ही टेस्टी ये चिप्स बनी थी, तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मसाले को हमने पकाते टाइम इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो मसाले को अगर हम पकाते टाइम डालते हैं तो जो हमारे चिप्स का कलर ना वो थोड़ा डार्क हो जाता है, बैटर थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है, व्हाइट नहीं बनते हैं, इस वजह से हमने इसको लास्ट में डाला है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है, हल्का सा बैटर को ठंडा करना है बिल्कुल लगभग 10-20 सेकंड के लिए। उसके बाद में इस तरह से छोटी छोटी सी चिप्स बनाकर हम लोग तैयार करेंगे, जैसे मैं बना रही हूँ। बिल्कुल भी इसको ज़्यादा फैलाने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप स्पून से डालते जाइए, अपने आप से ही फैलती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा पतला इनको नहीं बनाना है, थोड़ा थिक ही रखना है क्योंकि सूखने के बाद ना ये और ज़्यादा थिन हो जाती, बिल्कुल पतली पतली हो जाएंगी। तो देखिए जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बस आपको डालते जाना है और छोटी छोटी चिप्स आपकी बहुत ही जल्दी मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी ही चिप्स बना करके तैयार कर ली हैं। आप इनको पंखे के नीचे या फिर धूप के नीचे कैसे भी सुखा के तैयार कर सकती हैं। और एक चीज़ अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जलेबी बनाने का जो हमारे पास बोतल होती है ना उससे भी आप ये चिप्स बहुत ही आसानी से बना सकती हैं, एक साथ में बहुत सारी चिप्स बन जाती हैं। तो यहाँ देखिए सूखने के बाद में हमारी ये चिप्स बन करके तैयार हो गई हैं और देखिए कितनी ज़्यादा पतली हो गई है और एकदम ट्रांसपेरेंट सी लग रही हैं। कुछ चिप्स मैंने यहाँ पर कलर वाली भी बनाई थी जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर, तो मैंने सिर्फ फूल कलर का इसमें यूज़ किया है और इसके अलावा कोई मसाला नहीं डाला था। तो चलिए इनको फ्राई करके भी देख लेते हैं। तो गरम तेल में हम लोग डाल देंगे हमारे चिप्स को और चिप्स डालते के साथ में किस तरीके से फूल करके आ रही हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये चिप्स बनी है और साथ ही में इतनी खस्ता बनी है ये कि बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी उसको बहुत ही आसानी से इंजॉय कर सकता है। और टेस्टी तो इतनी है कि आप पूछे ही मत, बहुत ही टेस्टी बनी थी, इतनी मसालेदार। और मसाले आप अपने हिसाब से थोड़े से चेंज भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ नमक में भी बना सकते हैं। मैंने थोड़े से इनको चटकारेदार मसालेदार बनाया, तीखा तीखा, ताकि खाने में भी मजा आए। और ये देखिए डालते के साथ में कितनी बढ़िया अपने साइज से डबल ट्रिपल साइज की हो जाती हैं ये वाली जो चिप्स हमने बनाई थी। तो जिस तरीके से मैंने चिप्स बनाई हैं आप भी ऐसे बना करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको एक बार इसका साइज चेक कराती हूँ कि देखिए जो हमारी चिप्स हमने जो बनाई थी सूखने के बाद इतनी थी और ये फ्राई होने के बाद में इतनी है। ये देखिए
साइज आप देखें कि 3 गुना ये हमारी चिप्स बन करके तैयार हुई है। इतनी बढ़िया ये चिप्स बनते हैं। साथ ही मैं आपको एक बार क्रश करके दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा खस्ता है। ये देखिए एकदम खस्ता, एकदम क्रिस्पी हमारी ये चिप्स बन करके तैयार हुई है। तो आप भी ये चिप्स को जरूर बनाइएगा दोस्तों। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको आज के चिप्स का तरीका यानी कि चिप्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं आपके लिए इससे पहले भी बहुत सारी चिप्स और पापड़ की रेसिपी लेकर आ चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर से विजिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। बाय बाय।